एकादश सामान्य हिंदी काव्यखंड कबीर के पदावली का दूसरा, कबीर संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कबीर के पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण शाखा के महाकवि संत कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी कहते हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे सत्तो भाई हे सज्जनो भाई मेरे जीवन में मेरी जिंदगी में ज्ञान रूपी आंधी आई। ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम की टाटी भ्रम की टटिया सब उड़ गई। जो संसार मेरा भ्रम था जीवन में सब उड़ गई। माया रहे न बांधे, जो माया था रुपया पैसा ये सब बांधे नहीं रहा, सब उड़ गया चला गया। दुचते के दुई दुष्टे मैंने बीच की, दुचते मैंने बीच की दुई थूनी गिर गई, जो बीच में गड़ी हुई थी छानी बनाने में। मोह बलीडा और मोह का डंडा टूट गया। तृष्णा छानी मेरी तृष्णा द्वेष अहंकार घमंड रूपी छानी मेरे परी घर ऊपर घर के ऊपर पड़ी हुई थी, वो भिड़ गई नष्ट हो गई। कुबुद्ध माने बुरे विचार बुरे संस्कार बुरा ज्ञान का भाड़ा फूट गया, वो दूर हो गया। कहता जोग जुगत के जोग माने योगी हो जुगत करो हे संतो भाई, जोग माने योगी युक्त करो हे संतो भाई। निर्जे चुए न पानी छानी के नीचे पानी नहीं गिरे। इस तरह से आपके मन में शरीर में कोई अज्ञानता नहीं घुस पाए। कूड़ कपट काया सा निकसा, कूड़ा कपट माने द्वेष छल काया माने शरीर से निकल गया, द्वेष अहंकार घमंड शरीर से निकल गया। हर की गत जानी मैं समझाना, जो निर्गुण ब्रह्म राम है निर्गुण परमेश्वर उसकी गति मैंने स्थित को मैंने जाना उन्हीं ने किया। आंधी पीछे जो जीवन में आंधी चली और उसके पीछे जल बरसा जल बूढ़ा। प्रेम हरि जन्मे प्रेम रूपी भक्त हम भींग गए, प्रेम रूपी भक्त जो हम खुश हो गए प्रसन्न हो गए। कहाँ कबीर भान को उठे कहाँ कबीर भान, माने ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तम सीना। हमारे जिंदगी जो अंधकार था घमंड था सब नोट दूर हो गया। इसमें काव्यगत सुंदर लिखना पड़ता है, इसमें जो है भाषा कबीर की साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, इसमें पद जो है पदावली है, इसमें सब शांत रस है या भक्ति रस है, और क्या कहते हैं इस तरह से ये काव्य सुंदर भी लिखा जाता है।